हाय फ्रेंड्स ज्ञानतरी यूट्यूब चैनले अपन सबाई के स्वागत। आज हमें आब्दुल मुहित चौधरी नहीं एसेछि बांगला व्याकरण खूब गुरुत्वपूर्ण एक विषय आलोचना नहीं। नवम और दशम श्रेणी छात्रार्थी खूब गुरुत्वपूर्ण ताछाड़ा सम्मानित तो सीटेट शिक्षार्थी जरा रही अपन सिलेबास जेहतु रही है सेहेतु भिडियो अपनारा देखते पे तो आलोचना करब कारक एवं विभक्ति नहीं। तो कारक एवं विभक्ति सम्पर्के आमरा आस्ते आस्ते आलोचना जाच्छे। एर आगे आमि बोले निच्छि जे विभक्तिर एखाने एकटि तालिका लेखा रयेछे सेई तालिकाटि किन्तु आमादेर सबाइके सेई तालिकाटि किन्तु मुखस्थ करते होबे। एटा मुखस्थ करा छाड़ा कोनो रास्ता नेई। एटा जदि मुखस्थ करते पारि आमरा ताहले आमरा कारक एवं विभक्तिर 50% प्राय जेने गेछि। तो आमरा एखाने देखब जे कारक एवं विभक्तिर तालिकाटि रयेछे सेटि आमि मुखे बोले देब जदिओ क्लियार आसछे ना बोर्ड तो अपनारा लिखे नीबें। तो प्रथम विभक्तर नाम विभक्ति के 7 भागे भाग कर विभक्ति प्रथम प्रथम हो प्रथमा द्वितिया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। प्रथमाते रही है शून्य अविभक्ति प्रथमाते रही है शून्य अ द्वितिया रही है के रे तृतीया धारा दिए कर्तृक चतुर्थी आबार के रे पंचमी हईते ते के चे षष्ठी र एर सप्तमी ए उन्तुस्त अ ते। तो अबारा विभक्ति चिन्हगुल्लो जानलाम एवं विभक्तर नाम जानलाम। आसले विभक्ति कि विभक्ति जिनिसटि कि विभक्ति हच्छे वाक्येर प्रतिटि पद के संयुक्त करार जन्य जे अतिरिक्त बर्ण व्यवहृत है प्रतिटि पद के संयुक्त करे एकटि अर्थ प्रकाशेर जन्य जे अतिरिक्त बर्ण व्यवहृत है सेटिके विभक्ति बला हय। तो जेमन उदाहरणस्वरूप बोलते पारि श्यामेर भाई राम। एखाने श्यामेर भाई राम श्याम श्यामेर साथे एर एकटि अतिरिक्त बर्ण व्यवहृत हयेछे सेटि हच्छे विभक्ति। एक अतिरिक्त पद हमें देखते श्यामेर श्यामेर साथे एर एटी हच्छे विभक्ति। जदि एखाने बोला तो श्याम बाई राम ताते कोनो अर्थ प्रकाशित होतो ना आमरा बुझते ही पारतम ना एटा कि। तो एखाने श्यामेर भाई राम ताते एकटि अर्थ प्रकाशित हच्छे एबं एई एरटी हच्छे विभक्ति। तो एबारे आमरा आस्ते आस्ते आलोचनाय चले जाई कारक हच्छे छय় प्रकार। प्रत्येक प्रकारेर उदाहरणेर साथे साथे आस्ते आस्ते आमरा जेने नेब प्रत्येकटि प्रकार सम्पर्के एबं संज्ञा सह उदाहरणेर साथे साथे आमरा बुझे नेब किभाबे कारक एबं विभक्ति निर्णय करते हय়। तो प्रथमेই आमरा लिखब कर्तृकारक। कर्तृकारक कर्तृकारक हच्छे कर्तृ माने कर्ता जे काज करे जे काज करे सेई कर्तृकारक। तो आमरा खूब सहजे बुझलाम जे काज करे सेई कर्तृकारक आमरा संज्ञा पेये गेलाम। आरो सहज भावे जानार जन्य आमरा बोलते पारि वाक्येर क्रियापद के बा कारा द्वारा प्रश्न करले जे उत्तर पाई सेटा हच्छे कर्तृकारक। वाक्येर क्रियापद के बा कारा द्वारा प्रश्न करले जे उत्तर पाई सेटाई हच्छे कर्तृकारक। उदाहरणस्वरूप आमरा लिखते पारि एकटु लिखे नेई जेमन लिखलाम तासनिया भात खाय भात खाय तासनिया भात खाय एखाने एकटु दाग देवा रयेछे तासनियार नीचे। सुतरां आमादेर तासनियार कारक एबं विभक्ति निर्णय करते होबे। तो एखाने आमरा देखते पाच्छि तासनिया भात खाय। तो आमरा आमादेर सेई संज्ञा मते प्रश्न करे देखि क्रिया हच्छे खाय के खाय कारा एखाने कारा दिये प्रश्न करबे ना कारण एटि एकवचन। तो के खाय तासनिया भात खाय। तो एखाने आमरा देखते पाच्छि तासनिया तासनियाटि हच्छे जेहेतु के बा कारा द्वारा प्रश्न करले जे उत्तर पावा जाय सेटि हच्छे कर्तृकारक। तो एखाने आमरा पेये गेलाम तासनिया कर्तृकारक। विभक्ति निर्णय करते हबे तासनियार साथे कोनो विभक्ति जुग आछे कि तासनिया एकटि नाम एर साथे कोनो विभक्ति नेई। तो आमरा एटाके जेहेतु विभक्ति नेई सेटाके आमरा बोलबो प्रथमा बा शून्य विभक्ति। एटाके आमरा लिखते पारबो कर्तৃকারকে प्रथमा बा शून्य विभक्ति। आमि आर बोर्डे লিখছি না আপনাদেরকে মুখে বলে দিচ্ছি আপনারা লিখে নেবেন এবং লেখার দরকার নেই বুঝে নেবেন যে যাতে যে কোনো বাক্যে আপনারা কারক এবং বিভক্তি নির্ণয় করতে পারেন। তো তাসনিয়া বাদ কায় এটা হচ্ছে কর্তৃকারকে প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি। এখানে আবার যদি আরেকটি বাক্য ধরুন লিখলাম পাগলে কিনা খায় পাগলে। তো এখানে আমরা কে খায় পাগলে। তো আমরা কে দ্বারা প্রশ্ন করলাম উত্তর পেয়ে গেলাম পাগলে। সুতরাং এটি কর্তৃকারক। তো এখানে পাগলে কিনা বলে আচ্ছা বা খায় দিয়ে বললাম পাগলে কিনা খায় ধরুন এটা ছাগলে কিনা খায়চা পাগলে কিনা খায় ধরুন। তো পাগলে কিনা খায় কে খায় পাগলে। তো এখানে আমরা পেয়ে গেলাম কিন্তু পাগলে এখন কিন্তু পাগল হচ্ছে একটি শব্দ আলাদা শব্দ এর সাথে কিন্তু বিভক্তি যোগ আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাগল এ। তো পাগল পাগলের সাথে একটি এ বিভক্তি রয়েছে সেই এটি আমাদের এই বিভক্তির কোন তালিকায় পড়ে আমরা দেখিনি। সপ্তমীতে রয়েছে এ অন্তুস্থ ও তে। তো আমরা এটাকে কি বলতে পারবো কর্তৃকারকে সপ্তম বিভক্তি। আমরা কিন্তু বলবো না কর্তৃকারকে এ বিভক্তি কখনো না এটাকে আমরা বলবো কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তি। তো এবারে আমরা যাব কর্মকারক।
खूब संक्षेपे आलोचना करछि जाते भिडियोगुलो लम्बा ना होय। कर्मकारक कर्मकारक हच्छे कर्ता जाके आश्रय करे कार्य सम्पादन करे थाकेन सेटी हच्छे कर्मकारक। कर्ता जार उपर निर्भर करे काजटी शेष करे जेमन आमरा लिखलाम तासनिया भात खाय, तासनिया भात खाय। आगे तासनियार नीचे दाग देवा छिलो एबारे भातेर नीचे रयेछे। तो एबारे आमरा देखबो जे आबार खूबी सहज भावे जानार जन्य आरेकटी पद्धति रयेछे कि वाक्यर क्रियापद के कि एवं काके द्वारा प्रश्न कर ले उत्तर पावा जाए सेटी हच्छे कर्मकारक। वाक्यर क्रियापद के खावाटा हच्छे क्रिया। तो तासनिया कि खाय कि एवं काके द्वारा प्रश्न कर ले उत्तर पावा जाए सेटी हच्छे कर्मकारक। तासनिया कि खाय, तासनिया भात खाय। तो आमरा पेये गेलाम एटा कर्मकारक। तो विभक्ति भातेर साथे कोनो विभक्ति जुग आछे कि? निश्चय नेई, भात एकटी शब्द तो भातेर साथे कोनो विभक्ति नेई। आमरा कि बोलबो कर्मकारके शून्य विभक्ति बा प्रथमा विभक्ति। आमी लिखछि ना, बोले दिच्छि एटा हच्छे कर्तकारक कर्मकारके प्रथमा बा शून्य विभक्ति। जदि एखाने थाकतो श्याम रामके मारछे, धरुन लेखा थाकलो श्याम रामके मारछे, श्याम रामके मारछे। तो एखाने आमरा देखते पाच्छि रामके एर नीचे दाग देवा रयेछे। तो श्याम काके आश्रय करे काजटा करलो, काके आश्रय करे मारामारिटा करलो? श्याम रामके। तो श्याम रामके आश्रय करे मारामारिटा करलो, सुतरां एटा कर्मकारक। बा आमरा आबार जदि प्रश्न करी श्याम काके मारछे, श्याम रामके मारछे। तो एखाने आमरा पेये गेलाम एटा कर्मकारक। विभक्ति के विभक्ति जुग रयेछे, केटा आमरा देखिनि द्वितीयाते रयेछे। एखाने एकटी जिनिस ख्याल राखबेन, आपनारा देखतेई पाच्छेन जे द्वितीया एबं चतुर्थीर मध्ये हुबहु मिल रयेछे। द्वितीयाते रयेछे के रे, चतुर्थीते रयेछे के रे। तो आमरा एटा आस्ते आस्ते आमादेर आलोचनार माध्यमे जेने नेब एई दुटोर मध्ये पार्थक्य आसले कि। तो एखाने आमरा देखते पाच्छि श्याम रामके मारछे। तो एखाने के विभक्ति, अर्थात आमरा एखाने कि बोलबो द्वितीया विभक्ति। आमरा बोलबो कर्मकारके द्वितीया विभक्ति। कर्मकारके द्वितीय विभक्ति। एबारे आमरा जाबो करणकारक। करणकारक हच्छे एगुलो अवश्यई कविता लिखे नेबेन एबं बार बार देखबेन, देखे एटि भालो करे निजेर भितरे ढुकानोर चेष्टा करबेन जाते मुखस्थ विद्याटुकु एई कारकेर क्षेत्रे व्यवहृत ना हय। तो करणकारक जाके आश्रय करे कार्य सम्पादन ना, आसले सहजभावे बोली, खूबी सहजभावे बोली, कार्य सम्पादन करार सहायक, क्रिया सम्पादन करार सहायक यंत्र इत्यादि के कि बोला है करणकारक बोला है। ताछाड़ा आमरा खूब सहजभावे आरेकटी पद्धति जानते पारी वाक्येर क्रियापद के द्वारा दिए बा कर्तृक एइसब शब्द दिए जदि प्रश्न करी जे उत्तर पाबो सेटाई हच्छे करणकारक। तो कार्य सम्पादन करार यंत्र उपकरण उपकरण एसबके कि बोली आमरा करणकारक। बा वाक्येर क्रियापद के आमरा जदि प्रश्न करी द्वारा दिए कर्तृक एइसब शब्द दिए ताहले जे उत्तर पाबो सेटी हच्छे करणकारक। उदाहरणस्वरूप आमि बोलते पारी जेमन आमि कलम दिए लिखी, एजे कार्य सम्पादन करार जे एकटी यंत्र कलम, आमि कि दिए लिखछि? कलम दिए लिखछि। एखाने आमि प्रश्न करलाम आमि कि दिए लिखछि? द्वारा दिए कर्तृक दिए जदि प्रश्न करी द्वारा दिए कर्तृक एसब शब्द दिए प्रश्न करले जे उत्तर पाबो सेटी हच्छे करणकारक। तो आमरा देखते पाच्छि आमि कलमेर साहाज्ये लिखछि, कलमेर द्वारा लिखछि, कलम दिए लिखछि, तो एटा हच्छे कर्तृकारक। एखाने आमरा विभक्ति देखबो, एर साथे कि कोनो विभक्ति रयेछे? जदि थेके थाके ताहले तो आमरा एई विभक्तिटुकु लिखबो दिए, आमि कलम दिए लिखछि, एटा कोन विभक्ति? अवश्यई तालिकार साथे आगे तालिकाटुकु लिखे लिखे नेबेन मुखस्थ करार आगे, मुखस्थ करते हबे एबं तारपर आमादेरके एई विभक्तिगुलो निर्णय करते सहज हबे, नाहले सहज हबे ना। तो एखाने आमरा आमि कलम दिए लिखछि, आमादेर द्वारा दिए कर्तृक रयेछे तृतीयाय, तो एखाने दिए रयेछे, सुतरां एटा कि आमरा बोलते पारबो करणकारके तृतीया विभक्ति। करणकारके तृतीया विभक्ति, आमरा किन्तु दिए विभक्ति बोलबो ना, करणकारके तृतीया विभक्ति। बा लांगल दिए जमी चाष करा हय, लांगल दिए जमी चाष करा हय बाक्यटी लिखलाम। तो किसेर साहाज्ये? लांगलेर साहाज्ये। कि दिए चाष कराच्छे? लांगल दिए चाष करछे। किसेर द्वारा? लांगलेर द्वारा। तो এখানে আমরা তখন আমরা দেখতে পাবো যে লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করছি বা লাঙ্গলের দ্বারা জমি চাষ করছি, এটা হবে তৃতীয় বিভক্তি।
করণকারকে তৃতীয় বিভক্তি। আমি ভিডিও আর দীর্ঘ করছি না, আজ আমাদের আলোচনা পর্ব এখানেই শেষ, কারণ অতিরিক্ত লম্বা ভিডিও করলে ধৈর্য ধরে সবাই দেখেন না ভিডিওগুলো এবং এতে কী হয় অনেকটুকু লস হয়ে যায়। আমি আমার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলছি, রয়্যাল হাইস্কুল এবং সিবিজেএম হাইস্কুলের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলছি যে তোমরা ভিডিওগুলো ভালো করে দেখবে এবং বাংলা গ্রামারের কবিতা লিখে নেবে। আমি গ্রুপে একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করব, এই কারকের আলোচনা শেষ হলে গ্রুপে একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করব কারক এবং বিভক্তির। তাছাড়া যদি আমাদের এই ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।